हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस ड्राइव 2021 के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस, अभी हमने जस्ट जो हमारा टेक महिंद्रा है उसके रिगार्डिंग हमने कंप्लीट एनालिसिस की है, जो भी आपकी सारी चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या आपकी डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सो गाइज, उसके साथ साथ देखिए, अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो, सो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप बता सकते हो। प्लस अभी हम कॉग्निजेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले गाइज, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपका अगर इन्फोसिस का एग्ज़ाम है जो आपका कल होने वाला है, दैट इज़ 22 अगस्त, या आपका जो TCS NQT है वो होने वाला है, सो गाइज उनके लिए हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पर्टिकुलर आपके 20 to 30 वीडियोज़ हैं, 1 आवर और 40 to 60 मिनट्स का, 42 1 आवर आपकी वीडियोस हैं। और उनमें क्या है कि हमने एक ही क्वेश्चन को 4-4 टाइप से एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट मींस आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएंगे और काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। प्लस गाइस, उसके साथ साथ देखिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो भी प्लेलिस्ट हैं, और अगर आपको लिंक चाहिए सो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। प्लस हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हमारे 2 to 3 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें भी हमने वो जो हमारे प्लेलिस्ट हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने पिन किए हुए हैं, सो आप वहाँ पर भी जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल। क्योंकि क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स का क्या होता है कि लास्ट टाइम पे उन्हें समझ आता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। सो गाइज, उन्हीं से मोटिवेट होके या उन्हीं को फोकस रखते हुए हमने वो प्लेलिस्ट बनाई है। मींस हमारा जो 70 to 80% है वो सिलेबस आप विद इन 7 to 8, और चलिए 10 ले लीजिए, 7 to 10 डेज में आप इजिली क्लियर कर सकते हो, जो भी आपका 70 to 75% है। और गाइज देखिए, जो भी आपके सेक्शंस होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ होती है और ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो हम कंप्लीट एग्जाम की बात नहीं कर रहे कट ऑफ की, सिर्फ जो सेक्शनल कट ऑफ होती हैं, सो आप इजीली उन्हें क्लियर कर सकते हो। सो गाइस, चलिए उसके साथ साथ बात करते हैं अभी, चलिए कॉग्निजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए, जो आपकी हायरिंग है वो एनी ग्रेजुएट की होने वाली है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें लास्ट 1 मंथ से मैसेज कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि सर हमें BSc के बारे में बताइए, BCA के बारे में बताइए, BCS के बारे में बताइए, BA के बारे में बताइए, मीन जो जितनी भी आपकी जो ग्रेजुएशन फील्ड्स होती हैं इनके बारे में हमें बताइए। सो गाइज, उन्हीं के रिगार्डिंग हमने एक अभी जॉब रिक्रूटमेंट हमारे पास आई है, सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ आप 3 ईयर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट मीन्स आप कोई भी ग्रेजुएट हो आप एलिजिबल हो। ये नहीं है कि जो BTech है, BE है, वो MCA है, MBC है, वो फिल नहीं कर सकते, नहीं, वो भी फिल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि आपकी कोई भी जिन्होंने भी 3 साल की ग्रेजुएशन की है वो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। मैं फिर से बोलूँगा, ये गोल्डन चांस है। और आप बैचेस भी देख सकते हो, 2019, 2020 and 2021 बैच, मतलब 19, 20 और 21 बैच जो है आपके एलिजिबल होने वाले हैं। सो गाइज, ये काफ़ी जो वैकेंसी होने वाली है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपके फॉर्म्स होंगे वो आने वाले हैं, बिकॉज 19, 20, 21 काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कवर किया है। उसके साथ साथ देखिए, आपका सिर्फ एनी ग्रेजुएट, मतलब कोई भी ग्रेजुएट आपका अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखिए, कॉग्निजेंट आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ये चीज़ पता होती है। उसके बाद देखिए, जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की, वो आपकी 25 अगस्त है, और आज आपकी 21 है। सो ये हमारे पास कल परसों ही आ गई थी, बट थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी उसके लिए, बट स्टिल आपकी 25 अगस्त लास्ट डेट है। सो आज आपका 21 है, सो आपके पास 4 to 5 डेज आप फिल कर सकते हो इजीली। उसके बाद देखिए, जॉब फंक्शन क्या, आप अभी पूछोगे कि सर जॉब रोल क्या होगा हमारा, तो देखिए आपका क्या होगा, कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका होने वाला है। उसके बाद CTC आप देख लीजिए, 2.52 आपका LP होने वाला है, 252,000 आपका LP होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप एक बारी रीड कर लीजिए, बिकॉज हम रीड करेंगे थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप एक बारी देख लीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जो आपका ये होगा, ये जैसे कि आपका ये हो गया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड शुड बी ओपन टू वर्क इन फ्लेक्सिबल शिफ्ट। देखिए क्या होता है कि शिफ्ट का भी काफ़ी इश्यू होता है। उसके बाद देखिए, आपका इवेल्युएट द क्रिटिकल नीड्स ऑफ द यूजर्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी डिलीवरेबल्स टू इन्हेंस योर सेटिस्फैक्शन गेटिंग। सो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। उसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, वर्क इन पार्टनरशिप विद वेरियस बिजनेस डोमेन्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, मीडिया, रिटेल, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग। सो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके साथ साथ गाइस, बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। सो हमने आपको एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बता दी है, बट फिर भी एक बार ये रिपीट कर देते हैं। बट देखिए, हमने IAS आपको परसेंटेज नहीं बताई, सो आप परसेंटेज देख लीजिए। जो आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है वो आपकी होगी 3 ईयर्स की, आपकी कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए। ये नहीं कि आपको
बीएससी ही चाहिए या बीसीए चाहिए या बीए ही चाहिए, आप कोई भी ग्रेजुएट हो बट आपको 3 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। उसके साथ साथ बात करते हैं, उसके बाद देखिए परसेंटेज की बात करते हैं, तो देखिए आपकी 50% परसेंटेज होनी चाहिए, मतलब 50% दैट मींस आपको मींस हाफ ही हो गया है एग्जैक्टली। सो आई गेस मोस्टली सभी के होंगे 50% आपके 10th में होनी चाहिए, 12th में होनी चाहिए, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में, और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो तो आपकी है ही 3 ईयर्स की। सो ये आपके 3 ईयर्स में 50% होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कोई भी आपकी स्टैंडिंग एरियर्स नहीं होनी चाहिए, कोई बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए आपकी स्टैंडिंग। उसके बाद देखिए जो आपके जो आपका गैप है वो मैक्सिमम 2 साल होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा आपका जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपका गैप 2 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और आई गेस 2 साल से ज़्यादा तो किसी का मीन रेयरली होगा, ऑलमोस्ट सबका एटलीस्ट 1 साल तो होता ही है बट 2 साल बहुत रेयर होता है। उसके बाद देखिए पीजी नॉट एलिजिबल, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे ध्यान से थोड़ा सा निकल गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। पीजी मींस जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप एमटेक हो, एमसीयू, देखिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट क्या होगा कि आप अपनी जो मास्टर्स है वो आप डिग्री मत बताइए। मीन अगर आपको अप्लाई ही करना है कि लाइक सर हमें तो अप्लाई ही करना है कुछ भी हो जाए, सो आप क्या कीजिए, लाइक आप बीए हो तो आप एमए मत बताइए, सिर्फ जो बीए के डिटेल्स है आप वो फिल कर दीजिए, या आप बीटेक हो सो बीटेक ही बताइए, एमटेक मत बताइए। मीन ये सारी चीज़ें, मीन अगर आप बीबीए हो तो एमबीए मत बताइए, तो ये सारी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। उसके बाद गाइस थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के फिर डाउट आते हैं, सो फिर वो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमने इतने अच्छे से समझाया फिर भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं, दैट मीन्स हमें कहीं और हमारी थोड़ी सी कमी है, सो हमें थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस हमने आपको बताया, फ्रेशर्स तो एलिजिबल है ही हैं, प्लस 0 to 2 ईयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आप फ्रेशर हो तो अच्छी बात है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, 1 साल का है तो भी अच्छी बात है, 1.5 साल मतलब 2 साल से कम होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 50% आपका होना चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशंस हो सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। उसके साथ साथ गाइस अगर आपको कोई सजेशंस हैं या अगर आपको कोई कुछ चीज़ें पूछनी है या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो सो जो लिंक होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और गाइस चलिए वीडियो को बताइएगा कैसी लगी हो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो या ये थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। उसके साथ साथ गाइस देखिए ये जैसे आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे सो ये आपकी मेल आईडी है, यहाँ पे आप जाके नेक्स्ट कर दीजिएगा। सो गाइस ये तो हो गई सारी चीज़ें, और जो भी लिंक्स होंगे मीन जो आपके कैसे फॉर्म फिल करना है आपको जो लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। सो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो वन मोर थिंग जो आपके प्लेलिस्ट हैं जैसे कि हमने बताया आपको इन्फोसिस, टीसीएस, ग्लोबल है, ये सारे जो एग्जाम्स हैं, और अगर आप और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक कपटेक महिंद्रा की प्रिपरेशन कर रहे हो या विप्रो की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो गाइस देखिए जो आपका जो कॉग्निटिव पार्ट होता है मीन्स जो आपका इंग्लिश होता है, क्वांटिटेटिव होता है, रीजनिंग होता है, वो सबका सेम ही होता है, और जो इन्फोसिस है और जो आपका टीसीएस है इनका थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, इसका मतलब अगर आपने उनकी प्रिपरेशन कर ली है सो आप उन्हें तो इजीली क्लियर कर पाओगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।